Hey guys, कैसे हो? Welcome back to a new video. Guys, finally, वो वीडियो आ चुकी है जिसके लिए आप लोग काफी ज्यादा वेट कर रहे थे. मैंने कम्युनिटी टैब पे पोस्ट किया था कि GTA 5 का एक बहुत ही बेहतरीन वाला जो है फैन मेड मोड आने वाला है, जो कि आप अपने एंड्रॉइड में प्ले कर सकते हो. और ये जो बीटा वर्जन होगा, ये पूरा का पूरा रिलेट करेगा आपके GTA 5 से ट्रेवर के साथ. ठीक है, GTA 5 के अंदर जो ट्रेवर है आपका, उसके साथ में ये पूरा का पूरा जो फैन मेड मोड है एपीके है, ये रिलेट करने वाला है. और ये कैसा दिखने वाला है वो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ. सो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे आपको जो GTA San Andreas के मोड्स जो है प्रोवाइड होते रहते हैं. सो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करना मत भूलना. बेल नोटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, क्योंकि उसी से आपको नोटिफिकेशन आएगी. तो आपको अगर मैं इस बीटा वर्जन से मिल रहा हूं, तो ये जो बीटा वर्जन है वो कुछ इस तरीके का दिखता है. तो ये जो बीटा वर्जन है, ये आपके GTA 5 के ट्रेवर के ऊपर बेस्ड है. और यहाँ पे इसके साथ में आपको इसकी प्राइमरी व्हीकल भी देखने मिल जाएगी. उसी के साथ में आप जो है इसको टेक्सचर क्वालिटी को लो, हाई, मीडियम आप जो करना चाहते हो कर सकते हो अपने डिवाइस के अकॉर्डिंग, यानी कि आपके डिवाइस में ये गेम लैग नहीं होने वाला. सबसे अच्छी बात यह है. और एक और अच्छी बात यह है कि आपको इसके अंदर जो शेडोज देखने के लिए मिलेगी, वो बिल्कुल रिलेट करेगी आपके GTA 5 से. जी हाँ गाइज. एंड उसी के अलावा यहाँ पे जो ट्रेवर के घर के पास में जो और चीज़ें हैं और बहुत सारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, वो यहाँ पे इंपोर्ट किए गए हैं. और ये जो चीज़ें इस फैन मेड मोड को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है. एंड इसी फैन मेड मोड के अंदर आपको जो है काफ़ी ऐसी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएगी जो आपको रियल GTA 5 के अंदर देखने के लिए मिलती है. जब अगर आप अपने ड्राइवर को स्विच करते हो, तो वहाँ पे आपको जैसे चीज़ें देखने के लिए मिलती है, ब्राउन कलर की थीम आती है. तो सेम यही है इसके अंदर भी. तो मुझे लगता है कि ये सबसे बेहतरीन मोड है उन लोगों के लिए जो एक दफा GTA 5 को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं अपने फोन के अंदर, और वो भी बहुत ही कम साइज के, ओनली एपीके के अंदर. ठीक है, तो यहाँ पे आप घूम सकते हो, ट्राई कर सकते हो, देख सकते हो कि एक्चुअल GTA 5 का जो ट्रेवर है उसके आसपास कौन से टेक्सचर्स है, कैसा वो दिखता है. साथ में आपको यहाँ पे जो है गन का सेलेक्टर मिल जाएगा जो रियल GTA 5 के अंदर होता है. ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट जो है आप अपने डिवाइस के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो. यहाँ पे आप देख सकते हो ब्राइटनेस एंड व्यू डिस्टेंस, शेडो क्वालिटी, पोस्ट प्रोसेसिंग भी है यहाँ पे जो GTA 5 के अंदर होता है. तो बेसिकली ये जो है सब कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी. एंड इसका क्रेडिट जाता है आपके गेम और बजट को गाइस, जो कि बहुत ही बेहतरीन बनाया है. एंड उसी के साथ में यहाँ पे जो चीज़ें ऐड करनी चाहिए थी, वो चीज़ें यहाँ पे ऐड हुई है. एंड इन फ्यूचर जो है इससे रिलेटेड और बहुत सारे जो है वर्जन आ रहे हैं GTA 5 के. तो अगर एक बहुत ही अच्छा बेहतरीन वर्जन मुझे लगता है जो उसका लेटेस्ट होगा, वो मैं ज़रूर यहाँ पे अपलोड करूंगा. तब तक के लिए गाइस, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दो. और इसके बारे में आपको बताऊं तो यहाँ पे आप स्प्रिंट कर सकते हो, यहाँ पे आप जो है व्हीकल के कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाएंगे, GTA 5 का एक मैप देखने के लिए मिल जाएगा आपको. एंड उसी के अलावा यहाँ पे आपको हेल्थ का भी जो है पूरा का पूरा फैसिलिटी जो यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी. एंड जो ये वाटर है, ये बेसिकली रियलिस्टिक वाटर नहीं, आप देख सकते हो ये जो वाटर है यहाँ पे, मैं जो है अपनी व्हीकल वाटर के ऊपर चला रहा हूं. तो कहने का मतलब ये कि पूरा का पूरा ये रेडी नहीं हुआ है, लेकिन हाँ एक दफा आप इसको एक्सपीरियंस कर सकते हो. बिल्कुल ऑफलाइन चलेगा ये आपके फोन के अंदर, और कोई भी इश्यू आपको नहीं आने वाला है इस गेम को डाउनलोड करते वक्त, इंस्टॉल करते वक्त. सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है इन फैन मेड वर्जन की कि इसमें आपको कोई भी ओबीबी डाउनलोड नहीं करनी होती, कोई डाटा डाउनलोड नहीं करना पड़ता लाइक GTA San Andreas. GTA San Andreas इज गुड, बट उसके अंदर आपको पता है काफी सारी चीजें करनी होती है. तो काफी लोगों को यार प्रॉब्लम आती है के अंदर, एपीके ओबीबी कभी कभार गलत पेस्ट हो जाती है या फिर रीनेम कभी गलत हो जाता है. मैं बुराई नहीं कर रहा उस चीज की, वो चीज भी बहुत बेहतरीन है, लेकिन कभी ना कभी किसी ना किसी से गलती हो जाती है, और फिर वो जो है उसको ये चीज़ बहुत ज़्यादा बेकार लगती है. सो इसलिए मैं वीक में जो है कभी कभार फैन मेड मोड की भी वीडियोस ले आता हूँ, जो कि आप अपने फ़ोन के अंदर चला सकते हो, और आपको वो रियल
पीसी एक्सपीरियंस देती है, चाहे वो GTA 5 क्यों ना हो, GTA 4 क्यों ना हो, जो भी एंड्रॉयड में ऑफिशियली नहीं आया है तो उनका जो फर्मवेयर वर्जन है मैं अपलोड करता रहता हूँ। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आप नए हो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशन मोर अपडेट्स। तो गाइज मैं यही कहना चाहूँगा कि सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे करना। सब्सक्राइब बहुत सारे लोग हैं चैनल पे, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे किया हुआ है, और यही एक रीज़न है कि काफ़ी ज़्यादा कम लोगों के पास जो है नोटिफिकेशन जाता है। मतलब ज़्यादातर लोगों के पास तो जाता ही नहीं नोटिफिकेशन, और नोटिफिकेशन नहीं जाता तो काफ़ी लोग वीडियो मिस कर देते हैं। एंड इसी की तरह यार, आप ये चीज़ मत करना, अगर आप नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, डू सब्सक्राइब, प्रेस बेल नोटिफिकेशन आइकन। मैं मिलता हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो में। आपका इस वीडियो में आने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच अगेन एंड बाय।